हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आज कद्दू का खीर बनाने वाली हूँ। तो बस बहुत हेल्दी भी होता है कद्दू हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए। तो मैं रात का दूध बचा हुआ था 1 kg, तो मैं सोची कि आज सुबह नाश्ते में मैं खीर ही बना दूँ। तो देखिए, कद्दू को इस तरह करके कि मैं 1/2 kg कद्दू ली हूँ और 1 kg दूध था, जो कि इसको मैं मतलब 1/2 kg कर दी हूँ इसको खौला के। और जो कद्दू है ना, उसका जो ये नरम वाला पार्ट रहता है उसको इस तरह करके निकाल देंगे। हमको सख्त वाला पार्ट ही चाहिए, नरम वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो इसको इस तरह करके इसको निकाल देंगे और इसको कद्दूकस कर लेंगे। ऐसे देखिए इस तरह, और ये जो नरम वाला पार्ट है उसको निकाल देंगे। और देखिए इसमें ये मैं 1 बॉल चीनी ले रही हूँ, ये छुहाड़ा है, इसको मैं मिक्सी के जार में डाल के इसको पीस लूँगी। और इतना सा किशमिश है, ये नारियल है, और ये मिल्क पाउडर है। ये मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो वो भी डाल सकते हैं। तो देखिए कद्दू को मैं कद्दूकस कर ली हूँ और बस अब ये तैयार हो गया है। और इधर मैं गर्म पानी चढ़ा दी हूँ मिल्क पाउडर को घोलने के लिए। हल्का गर्म चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो बस इसको डाल देंगे और घोल देंगे, अच्छा तरह से घोलेंगे ताकि इसमें गुठली नहीं पड़े। तो आपके पास अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा दूध है तो उसे आप गाढ़ा करके या उसे भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है आपके पास। तो इसमें देखिए 2 चम्मच घी डाल देंगे। आप चाहें तो रिफाइंड से भी बना सकते हैं। और जब तक से घी गर्म हो रहा है तो इसका पानी निचोड़ लेते हैं कद्दू का। और ये ना कद्दू का पानी बहुत हेल्दी होता है, अच्छा रहता है ये बाल के लिए भी और शरीर के लिए भी। तो आप इसे निचोड़े तो इसे फेंके नहीं, इसे पी जाइए, बहुत अच्छा लगता है। इसका टेस्ट भी कोई ख़राब नहीं रहता है, अच्छा ही लगता है। तो बस देखिए हो गया है, घी गर्म हो गया है। इसमें डाल के इसको भून लेंगे। और आप चाहे तो इसे कपड़े में भी डाल के निचोड़ सकते हैं, हाथ से निचोड़ें या कपड़े में डाल के निचोड़ें। तो बस इसे 5 मिनट, 5-6 मिनट तक इसको भून लेंगे। तो इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा और ये थोड़ा नरम भी हो जाएगा, भून जाएगा अच्छा, तो टेस्ट इसका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और डायरेक्ट डालने पे थोड़ा सा कद्दू का स्मेल आने लगेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा भून के डालिए तो अच्छा होगा, टेस्ट बढ़ेगा इसका। और बस देखिए भून गया है और भून रहे हैं। तब तक इधर दूध चढ़ा देते हैं, ठंडा हो गया था दूध, तो अब इसे गर्म होने के लिए खोलने के लिए चढ़ा दिए हैं। दूध को ना मैं पहले से 1 kg था तो मैं इसको खोला के 1/2 kg कर दी थी, गाढ़ा की थी मैं इसको। और इसका जो छाली रहता है ना उसे आप निकाले नहीं, उसे भी खीर में रहने दें तो बहुत अच्छा लगेगा। और बस 5 मिनट हो गया है, ये तैयार हो गया है भून के। और अब इसको बंद कर देते हैं इसका। और इधर दूध भी खौल गया है तो बस इसमें डाल देते हैं इसको और मिक्स कर देते हैं। ये ना बहुत जल्दी तैयार हो जाता है ये खीर, जो हम लोग चावल से बनाते हैं ना उससे जल्दी बनता है ये, और बहुत टेस्टी भी लगता है, अच्छा लगता है। आप एक बार बना के खा के बताइएगा मुझे। और ना गैस, आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं कमेंट करने में, कमेंट कीजिए तो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ के। तो कम से कम, ज़्यादा तो नहीं मेरा सब्सक्राइबर है अभी, जितना है कम से कम आप लोग उतना तो कमेंट कीजिए। कुछ भी बोलिए, लिखिए कि आप लोग को मतलब रेसिपी मेरा कितना अच्छा लगता है या नहीं लगता है, या फिर क्या आप लोग देखना चाहते हैं, किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी आप लोग बता सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं।
तो बस इसको डाल दिए हैं कद्दू को और इसको चला देंगे। आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं या कमेंट करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा हौसला बढ़ता है आगे, मतलब बढ़ने का मेरे अंदर जज्बा पैदा होता है कि हाँ जो मैं वीडियो बना रही हूँ या फिर मैं जो चैनल बनाई हूँ तो उसमें मैं आगे बढ़ूँ, काम करूँ, वो मेरा मन में हौसला होता है। तो बस इसमें चीनी डाल दिए हैं, एक बॉल जो मैं लेके रखी थी चीनी वो, तो आप मीठा जिस अनुसार से खाते होंगे वैसा डालें आप, इसमें कोई ये नहीं है कि एक ही कटोरी डालना है आपको। और ये जो छुहारा था उसको मैं मिक्सी के जार में डाल के पीस ली हूँ, अब उसको भी डाल देते हैं साथ में, तो ये साथ में खोलेगा तो फूल भी जाएगा, अच्छा लगेगा। आप चाहे तो इसे काट के भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पीस के ही डालें आप। और ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद से डालिए, अगर जितना है तो डालिए, नहीं है तो कम भी डालिए। और ये चैनल का ना बहुत लंबा प्रोसेस रहता है इसका, कुछ अलग मैं उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी आप लोग के बताऊंगी मैं। तो शायद कोई सोचते होंगे ना कि लाइक करने से या फिर हम लोग सब्सक्राइब करते हैं तो उससे उनका पैसा बनता है, ये भी होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है गैस, पैसा तो बनता है उसमें, उनका यूट्यूब का अलग कुछ प्रोसेस रहता है। तो अगर आपका वीडियो कितना लोग देख रहा है, कितना व्यूज बढ़ा है, तो उसके अनुसार उन लोग ऐसे करते हैं, लाइक शेयर या डिसलाइक से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क सिर्फ हम लोग को पड़ता है, अच्छा लगता है अगर कोई लाइक या शेयर करता है तो, उससे हम लोग का पैसा तो नहीं बनता है लेकिन मन में हौसला होता है। तो बस देखिए खीर तैयार हो गया है, गैस को मैं बंद कर दी हूँ और अब मैं निकाल ले रही हूँ बाउल में। तो बस आप लोग से मैं यही कहना चाह रही थी कि कम से कम जितना भी मेरा सब्सक्राइबर है, कम से कम आप लोग उतना तो लाइक करा कीजिए या फिर कमेंट करा कीजिए, आप लोगों मन में जो भी रहता है मुझसे पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं या फिर किस तरह का आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, तो तो अगर आप लोग देखिए लिखिएगा तो अच्छा मेरा लगेगा हमको। कद्दू का तो खीर कितना अच्छा लग रहा देखिए है देखने में, और आप लोग भी बनाइए और खाइए और मुझे बताइए कमेंट करके। मैं आप लोग से कुछ बोलना चाह रही थी, आप लोग लाइक शेयर कर कीजिए दोस्तों, क्योंकि उसमें कुछ पैसा तो नहीं लगता है, ना तो मुझे उसमें कुछ पैसा मिलता है ना आप लोगों लगता है, तो फिर कंजूसी क्यों करते हैं। जितना मेरा सब्सक्राइबर है कम से कम उतना तो आप लोग लाइक कीजिए और कीजिए, अगर पसंद आता है तो, और नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए, और बस दिल खोल के अथी के रख कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग कमेंट करते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है कि मतलब हौसला बढ़ता है, कोई सब्सक्राइब करता है या फिर कमेंट करता है तो ऐसे हौसला बढ़ता है और मन में होता है कि हाँ चलो मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, या फिर मुझे कोई मतलब इतना कोई जान रहा है या फिर देख रहा है ऐसे कर रहा है तो अच्छा लगता है। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी आप लोग से कि कंजूसी मत कीजिए, इसमें आप लोग का भी कुछ पैसा नहीं लगता ना मुझे कुछ पैसा मिलता है, तो बस मेरा ये कद्दू का जो मैं खीर बनाई हूँ उसे आप लोग ट्राई कीजिए और बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।